खबर कानपुर देहात से है। तहसील सिकंदर क्षेत्र के ग्राम पिंडा रुथू में 50 वर्षों से खेल के मैदान में बस्ती आबादी को उच्च न्यायालय के निर्देश पर गिराने के निर्देश तहसीलदार को उच्च अधिकारी ने दिए। ग्रामीणों का कहना है कि 50 वर्षों से हमारे बुजुर्गों ने तत्कालीन ग्राम प्रधान कहने पर मकान बनवाए थे, तब से हम लोग सपरिवार निवास करते चले आ रहे, लेकिन गांव के एक दबंग व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर खेल के मैदान को खाली कराने के लिए मांग की है, जिस पर उच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी को खेल का मैदान खाली कराने का आदेश दिया। डीएम ने उच्च अधिकारी सिकंदर को शीघ्र ही खेल का मैदान खाली कराने के लिए कहा। उच्च अधिकारी ने तहसीलदार के साथ गांव का मुआयना कर खेल के मैदान में बने दर्जन मकानों को गिराने के तहसीलदार को निर्देश दिए, जिससे गांव के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सरकार में मकान बनवा कर रहने की व्यवस्था करे, तब हमारे मकान गिराए जाए, नहीं तो हम लोग बुलडोजर के आगे लेट अपने प्राण दे देंगे। ग्राम प्रधान अजय सिंह का कहना है कि उपरोक्त सभी मकान गरीबों के तथा 50 वर्षों से बने, सरकार गरीबों को रहने की व्यवस्था करे तभी मकान गिराया जाए, अन्यथा मकान न गिराया जाए। वहीं पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से अपने मकानों की सुरक्षा किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि एक वर्ष के अंदर आधा दर्जन लोगों के मकान गिराने के प्रकरण को लेकर हार्ट अटैक से मौतें हो चुकी, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अब देखा गया होगा कि प्रदेश सरकार खबर चलने के बाद गरीब ग्रामीणों को रहने के मकान दिलाएगी या नहीं, या तो समय तय करेगा। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से पीएन दीक्षित की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जमीन है। कहाँ रहते हो? पिंडारथी में। क्या मामला है मकान का? मामला क्या है, यहाँ तो हम तो 40-42-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, परेशान करें और खेल कूद बताया जा रहा है। हम लोग तो यहाँ परेशान है, एक घर में 25-30 लोग फैमिली रहती, कहाँ जाएंगे हम लोग, इसका कोई साधन तो किया जाए। कौन परेशान कर रही है? जय नारायण कुशवाहा। तो ये क्या खेल के मैदान में मकान बने हैं? ये हमारे होश में तो हमको पता नहीं है, खेल कूद है क्या है यहाँ क्या नहीं था हमको नहीं मालूम है, अगर ना मेरे पिता को मालूम था, मालूम होता तो हम लोग यहाँ रहते भी नहीं। कितने साल से रह रहे हैं अभी हम? हमें यहाँ कम से कम 43-44 साल हो गई हैं, मतलब हमारे होश से उससे पहले से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? रईस बाबू अली। कहाँ रहते हो? पिंडारथू। क्या मामला है ये मकान का? ये मकान का सर जी, हम बहुत बरसों से रह रहे हैं, हमारे बाबा जवान सब लोग रह रहे हैं यहाँ पे, आएंगे हमारे से बाबा मर गए और माँ भी मर गई, पिताजी भी मर गए यहाँ पे हमारे इस मकान की चक्कर में। तो जैसे कहना है प्रशासन का कि खेल के मैदान में बने हैं, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर तो हमारा इसमें बना आएगा सर, तो हमें सरकार कुछ तो रहने के लिए व्यवस्था दे, हम इतना पैसा इसमें बच्चे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम सब। आप क्या चाहते हो? सरकार इसको ना उजाड़े। सरकार इसको ना उजाड़े, सरकार उजाड़ना चाह रही तो हमको मकान ऐसा बना के दे। क्या नाम है तुम्हारा? साकिर अली। कहाँ रहते हो? पिंडारथू गांव। ये मकान जो बना है तो ये खेल के मैदान बना है, कब से बना है ये? सर जी पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे खाद के गड्ढे थे बड़े बड़े, मकान खेल कूद के मैदान कभी उपयोग नहीं हुआ, और हमारे बाबा जमाने से रह रहे, पहले बाबा रहे फिर पिताजी रहे, पिताजी एक्सपायर भी हो गए इसी मकान के चक्कर से, और अब जब अनियन ये गिरवाए जा रहे हैं, दो चार लोग हैं जो विपक्षी हैं, जयनारायण कुशवाहा है, भीम सिंह कुशवाहा है, और उनके जो आपसी भाई लोग हैं, एक ही परिवार केवल परेशान कर रहा है बार बार, और हम लोग 20 लोग मकान में रहते हैं, और अगर गिर जाएगा तो कहाँ जाएंगे सर, इसकी कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। सामान है, घर द्वार है, बकरी और सब पालन है, ये कहाँ लेके जाएंगे, ऐसे कहाँ सड़क पे रहेंगे जाके। क्या नाम है आपका? नूरजहां। कहाँ रहती हो? पिंडारथू। क्या मामला है? मामला ये है सर कि अब समझ लो, ये जयनारायण है, राम शंकर हैं, भीम हैं, श्री राम हैं, ये लोग चाहते हैं यहाँ से भाग जाए रहे ना। क्यों? क्यों ये कहते हैं कि खेल मैदान की जगह है, तो जब तुम्हें दिखता था खेल मैदान तो पहले मैं क्यों जाती प्रधान ने, हैं मना करते तुम, अपने मकान आवास मिला हम नहीं बनवाते यहाँ पर क्यों रहते, जो हमारे घर में 20-20 आदमी हैं कहाँ मर जाए, अब बताओ ये कह दें तो हम त्याग कर दें पूरे मकान घर की सब बच्चन को खिला के मर जाए सब हम चले जाए कहाँ मर जाए जाके सबको मर दे मार दे खबा के खुद मर जाए सब लोग। क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो खुश है जो सरकार चाहती तो हमें दे, हमारे यहीं रहने दे, हमारा पूरा यहीं कर दे, हमारा जो करने उनको कह चाहते, और तुम्हारा जो खेल मैदान है तुम्हारा डर हमसे कोई उससे मतलब नहीं लेना देना, जो हमारे मकान बने वहाँ हमको रहने दो। प्रधान जी आपका परिचय? हमारा नाम अवधेश सिंह चौहान है,
ग्राम प्रधान पिंडारथू। प्रधान जी, वही आपके गांव में कुछ लोगों को प्रशासन बेदखल करना चाहता है घरों से, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर गलत है। जब से मैंने उनको देखा है 40-50 वर्षों से, वो लोग बराबर वहीं काबिज हैं। और प्रशासन का कहना ये है कि वहाँ खेल का मैदान है, लेकिन हमारे जानकारी में आज तक ये अभी प्रशासन के माध्यम से मालूम हुआ कि खेल का मैदान है। और अगर प्रशासन उन मकानों को तोड़वाता है तो तोड़वाने से पहले उनको आवास दिए जाएं और भूमि दी जाए, उसके बाद तोड़वाने की कोई कार्रवाई की जाए, ये हम चाहते हैं। और गरीब जनता है और रोज दिहाड़ी मजदूर के रोज काम करने वाले लोग हैं, रोज का कमाना रोज का खाना, गरीब जनता फकीर है।